Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan and in this video, we're going to talk about the highest paying specialization. Yaar, main kai sare students ka comment section mein ye sawal dekhti hu. Ya fir even like hum calls pe discuss kar rahe hote hain jahan pe student ye confused hota hai ki mujhe kaun si specialization leni chahiye ya fir kis specialization mein sabse zyada ka package hai. Ya jab aap MBA karne ja rahe hote hain to sabse dream jo profile hoti hai jis pe koi student kaam karna chahta hai that is consulting. Bhale wo hum Deloitte ki baat kare, KPMG ki baat kare ya fir aur badi companies ki baat kare jo ki consulting में स्टार प्लेयर्स हैं, पर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कंसल्टिंग में जाने के लिए स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए. तो मैं स्टार्ट करती हूं इस वीडियो को सबसे पहले कि इफ यू वांट टू मेक योर करियर, इफ यू वांट टू वर्क एट द प्रोफाइल ऑफ कंसल्टिंग, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. बट कंसल्टिंग के लिए अगर हम टॉप 20 स्कूल्स की बात करें तो टीयर 1 के जो कॉलेजेस होते हैं जैसे कि IIMs हो गए, SP जैन हो गए, ऑल दीज कॉलेजेस यू नो यहाँ पे 40-50% से भी ज्यादा कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं फॉर द प्रोफाइल ऑफ कंसल्टिंग. वेयरएज अगर हम इसी को टीयर 2 कॉलेजेस में देखें तो ये परसेंटेज जो है वो कम होता जाता है. तो अगर आप टीयर 1 के कॉलेजेस में हैं और आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो आपके पास यू नो अपॉर्चुनिटीज रहती है दैट यू कैन स्टिल गो एंड वर्क इन द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग जो हर स्टूडेंट की ड्रीम होती है बिकॉज इन में नॉट ओनली अबाउट द पैकेजेस, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, इट्स ऑल्सो अबाउट द वर्क प्रोफाइल, इट्स ऑल्सो अबाउट द सॉर्टेड लाइफ यार व्हाट यू गेट इन कंसल्टिंग. सो यार ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. उसके बाद जो सेकंड सवाल आता है कि हो गया आपके दिमाग में ये सवाल क्लियर हो गया हो कि इसमें कोई स्पेशलाइजेशन का रोल नहीं होता है. सबसे हाईएस्ट पेड स्पेशलाइजेशन जो होती है, डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन जो होती है, दैट इज मार्केटिंग, राइट? बिकॉज एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, भले वो छोटी सी कंपनी हो, बड़ी सी कंपनी हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि हर कंपनी की नीड है. बिकॉज हर कंपनी ने प्रोडक्ट सर्विसेज बना रखे हैं उनको यू नो प्रमोट करना, मार्केटाइज करना, ज्यादा से ज्यादा यू नो रीजन्स में रीच करना, ये हर कंपनी की चीज है. बिकॉज यू नो लेट से एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बाइजू ने प्रोडक्ट बना लिया, वो वीडियोज बन चुकी है यार, उसका कोई काम नहीं है. उनकी कंपनी में 80% of the main power is basically marketing team, sales team, you know, भले वो manager profiles पे हो गए या sales executive profiles पे हो गए. तो ऐसी हर company है, सबने अपने products बना रखे हैं, development वाली team काम करती रहती है, but जो main core है that is marketing. तो सबसे ज़्यादा जो highest paid specialization होती है that is marketing and even evergreen specialization. Then marketing के बाद जो specialization आती है that is somehow finance. Finance में you know दो तरह की companies रहती हैं, एक तो banks रहते हैं, right? और एक investment banking रहती है जो कि even marketing से भी ज़्यादा you know paid jobs देती है, but उसमें बहुत rare companies जो हैं वो tier 2 colleges में आती हैं. उसमें जो companies आती हैं that comes in tier 1 colleges, that is IIM, बाद बैंगलोर, कैलकटा एंड ऑल दीज कॉलेजेस जहां पे आती हैं, और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी जैसे कि यू नो SP जैन हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस के कहीं ना कहीं FMS हो गया, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं. बट टीयर 2 में अगर हम बात करें जो सेकंड जो हाईएस्ट पेड स्पेशलाइजेशन होती है दैट इज फाइनेंस. बिकॉज ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक बहुत कोर रोल प्ले करता है. मार्केटिंग इज एवरग्रीन एंड दैट इज द रीजन यार बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बट इसमें कॉलेज के हिसाब से वेरी करता है. अगर आपके दिमाग में सवाल है कि आप जिस प्रोफाइल की जॉब मार्केटिंग में करना चाहते हैं उसमें आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस सही रहेंगे, नहीं रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. ऑल यू हैव टू डू इज टू रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अ स्पेशलाइजेशन एंड उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक राइट बी स्कूल. बिकॉज आई ऑलवेज से दिस थिंग, कोई कॉलेज अच्छा है बुरा है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन. बिकॉज हो सकता है आपको फाइनेंस चाहिए, आप किसी कॉलेज में चले, बट वहां पे फाइनेंस की नहीं मार्केटिंग की कम, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो कि टीयर 2 कॉलेजेस में जा रहे हैं. बिकॉज आई हैव दिस एज माय पर्सनल स्टूडेंट, आई नो अ स्टूडेंट, ही ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर फाइनेंस, बट व्हेन ही गेट इनटू द कॉलेज वहां पे उसने देखा कि फाइनेंस के लिए सेल्स की कंपनी आती है, तो ही ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग. सो ये आपके साथ ना हो. तो यार ये हमने डिस्कस कर लिया मार्केटिंग, फाइनेंस अमंग द टॉप कंपनीज. कंसल्टिंग को मैंने अलग ही रख रखा है, वो टॉप रैंकिंग में नहीं, वो बेसिकली इज लाइक अ यू नो क्राउन ऑन योर हेड, राइट? इट्स अ क्राउन ऑन योर हेड. सो उसके लिए कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके बाद जो प्रोफाइल्स आती हैं दैट इज IT, ऑपरेशंस एंड
HR, right? ये सारी जो प्रोफाइल्स हैं ये थर्ड पोजिशन पे आती हैं when it comes to the highest paid specialization, because इसमें initial packages जो हैं वो कम होते हैं. You get a hike, but that too after a time period when you have that sort of experience in the industry. So that is one of the thing what you need to understand. One more thing I really want to add in this video, which is important, that always choose a specialization which suits your personality. Yes, if I'm wearing this color top, if I'm wearing this pants, if I'm wearing this heels or sandals or whatever the haircut I do have, I check it as per my body language. Yaar, mere upar kya acha lagta hai, kya nahi acha lagta. The same thing, yaar, agar aap specialization shortlist kar rahe ho, to it's not only about ki kaun si specialization highest degi. Paisa matter karta hai, bahut sare log ye kahenge. Main isko bilkul nahi deny kar rahi hoon. End of the day, paisa matter karta hai. But ek aur cheez ki aap chale jao finance mein, but aapki expertise nahi hai, aapki skills nahi hai. Some point of time you realize that what am I doing, right? So that one I'm telling you that सोच समझ के opt करो. It is important because career is not on interest. Specialization is not something which is based on interest. It's based on your skills, जिसमें आप अच्छे हो. If you're marketing, you're not bold, you're not good in terms of communicating with people, very difficult, very difficult. Finance, आपका academics अच्छा नहीं है, आप उतने अच्छे numbers में नहीं हो, then you'll struggle in that case also. So, ये हमने थर्ड स्पेशलाइजेशन डिस्कस करी. उसके बाद एक और जो स्पेशलाइजेशन आ जाती है, दैट इज हेल्थ केयर, रूलर, एग्री बिजनेस. देन देयर सो मेनी स्पेशलाइजेशन जो कि यू नो टूर्स एंड ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट. तो ये जो है वो लास्ट पोजिशन पे आती हैं. एंड लास्ट पोजिशन में आने के लिए भी राइट इन क्योंकि इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, बट उस तरह की पैकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, मैं फिर वही कह रही हूँ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स टीयर टू, टीयर वन में अगर आप एग्री बिजनेस में भी जाएंगे या फिर अगर आप इवन टीयर वन में हेल्थ केयर में भी जाएंगे, तो जहाँ पे जनरल PGDM का, मार्केटिंग फाइनेंस का एवरेज पैकेज 20-25 लाख का होगा, वहीं अगर हम हेल्थ केयर, एग्री में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, इवन इन सब में देखेंगे तो एवरेज 14-13 लाख के आसपास होगा. तो इतना वेरिएशन टीयर वन के कॉलेजेस में है, तो टीयर टू में इससे जस्ट 2 गुना वेरिएशन रहेगा. और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे डिड यू नो ग्रेजुएशन इन एग्री बिजनेस या हेल्थ केयर, बट दे डोंट वांट टू गो इन द जनरल PGDM. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो. आई नो बहुत लंबा हो रहा है, पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो पूरा जरूर देखो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए ही है कि तुमने अगर अपना ग्रेजुएशन में लेट्स से एग्री बिजनेस कर लिया या कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन कर लिया इन विच यू नॉट हैप्पी विद इट, लेट्स से आपने फार्मेसी कर लिया या फिर, तो आपके पास एक MBA ऑप्शन है जहां पे आप अपनी स्ट्रीम स्विच कर सकते हो. यार MBA आधे से ज्यादा लोग इसीलिए करते हैं, व्हेन दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर प्रोफाइल, व्हेन दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर पैकेज, व्हेन दे आर नॉट सैटिस्फाइड यू नो विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वो MBA करने जाते हैं. तो रेदर देन आप उसी फील्ड में जाओ जो आपको नहीं पसंद है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी स्पेशलाइजेशन भी स्विच कर सकते हो. ये एक लास्ट चीज. एंड इसके अलावा एक और स्पेशलाइजेशन है जो कि अभी ट्रेंड में है, दैट इज एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन. मैंने इसको किसी कैटेगरी में लाई नहीं किया है, बट ये भी स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज अगर हम आने वाले टाइम की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन जिसकी नीड है. सो पहला सजेशन जो इस वीडियो से आपको सीखना चाहिए, अगर आप किसी भी ऐसी स्पेशलाइजेशन के हों, तो आप नॉर्मल स्पेशलाइजेशन में स्विच कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी चीज़ यू नो, अगर आप हाईएस्ट पेड के वर्सेस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो, तो मार्केटिंग फाइनेंस ये स्पेशलाइजेशन है. कंसल्टिंग के लिए कोई स्पेशलाइजेशन का रोल नहीं होता है. बाकी स्पेशलाइजेशन में इनिशियल पैकेजेस में डिफरेंस होता है व्हेन कम्स विद द वर्क एक्सपीरियंस एंड द इंडस्ट्री एक्सपोजर. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, रीच out to the number in the description box. Do share this video with your friends. If you want to know aapki specialization ke hisab se, bhale aap ruler plan kar rahe ho, agree, hospital, marketing, finance, aap pooch sakte ho, poocho aapse is what our tagline. Until then, yaar mujhse koi sawal hai, social media handles ka link description mein diya, maa ja ke pooch sakte ho, share karna hai, like karna hai, aur channel ko subscribe karna to bhoolna hi nahi hai. To milte hain ek aur video ke saath. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.